Welcome to the Sri Shyam Group of Education. In previous classes, we had studied about concept of oxidation number, defined the oxidation and reduction, and also defined the what is the oxidation and reduction. अपने ही जानते हैं oxidation means क्या हो जाएगा loss of electron and reduction means क्या हो जाएगा accept of electron, gain of electron. और अकॉर्डिंग अपनों ने स्टडी की थी बाय द ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट में स्टडी की थी अपनों ने इंक्रीजेस द नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीजेस द नंबर इज कॉल्ड रिडक्शंस. टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द ऑक्सीडेशन नंबर. अगर यहाँ पे सिंपली डिफाइन करे, जनरली डिफाइन करे ऑक्सीडेशन नंबर को, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन एटम, या आपने कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एटम, द नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर इन द स्पीसीज. स्पीसीज मीन्स आ जाएगा मॉलिक्यूल, इन ए कंपाउंड्स, आगे बात समझ में, इन आयन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जो अपने एटम्स का चार्ज होता है वो आयन चार्ज क्या होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर. तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एन एलिमेंट डिफाइंड एज द चार्ज ऑन एटम अपीयर्स द आफ्टर रिमूवल ऑफ बॉन्डेड एटम. इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. तो सीधा सा सिंपली अगर डिफाइन करें, मैंने तुम्हें बताया था चार्ज ऑन एटम, अगर वैसे अकॉर्डिंग टू डिफाइन डेफिनेशन देखे, अगले कंप्लीट डेफिनेशन देखे, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर एन एलिमेंट डिफाइंड एज द चार्ज ऑन एटम अपीयर्स द आफ्टर रिमूवल ऑफ बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. कहने का मतलब अगर इसको अपने को समझना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपली एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने इधर की तरफ लिख दिया NaCl. अब अपने को पता है यहाँ पे NaCl बना कैसे, क्योंकि यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किया, इस पर आ जाएगा प्लस वन चार्ज, और यहीं पे क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इधर की तरफ क्या आ जाएगा माइनस वन, आगे बात समझ में. तो अकॉर्डिंग टू दीज कंपाउंड अगर अपने देखे, टोटल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस वन माइनस वन, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कंपाउंड का, जीरो. बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर देखे किसी भी कंपाउंड्स का, आयन नहीं होना चाहिए उस कंपाउंड्स में, तो वो क्या होता है, जीरो. ठीक है, ये तो होगी जनरली बात, आगे करेंगे अपने रूल में. अब यहाँ पे देखो, इस कंपाउंड जो अपनों ने लिया है, कंपाउंड NaCl लिया है, इस NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सोडियम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए बताओ, चार्ज कितना है यहाँ पे, हाँ चार्ज ऑन एटम्स, चार्ज ऑन एटम क्या है यहाँ पे, सोडियम का क्या आ जाएगा, प्लस वन. ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर
कितना आ जाएगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किया है एक्सेप्ट। तो समझ में आ गया होगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे। या और एग्जाम्पल ले, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे MgO, मैंगो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉनों का रिजेक्शन करता है, 2+2। इधर से ऑक्सीजन कितने का करता है, एक्सेप्ट कितने का करता है, -2, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन नंबर इज कितना हो जाएगा, +2। और ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज कितना आ जाएगा, -2। एनी प्रॉब्लम्स, अंडरस्टूड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज ऑन एटम्स। आगे बात समझ में, यहाँ पे क्या होता है, जो बॉन्डेड बॉन्ड से एटम से जो रिमूवल होता है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, कितने रिजेक्ट किए हैं, उस नंबर का भी यहाँ पे पता लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, तो यहाँ से अपने को क्या आइडेंटिफाई होता है, +2 का मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस कंपाउंड में जो एटम था मैग्नीशियम, उसने 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है, लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों को रिजेक्ट किया है। यहाँ से देखो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑक्सीजन ने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट से भी अपने क्या लगाते हैं, -2 चार्ज। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन का, -2, मतलब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को। एक बात यहाँ से पता लगता है, बाय द ऑक्सीडेशन नंबर वी कैन आइडेंटिफाई द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, इन द एटम एंड अदर स्पीसीज। आगे क्या बात समझ में, एनी प्रॉब्लम्स। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर रोल, इसके अंदर ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर रूल, जनरल रूल पढ़ेंगे अपने। तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर ही है, ऑक्सीडेशन नंबर जनरल रूल। देखो भाई, सबसे पहले क्या है, जनरल रूल्स में अपने पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की कुछ फिक्स रूल्स बना रखे हैं। इस रूल का बेनिफिट क्या होगा, इस रूल से आप किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट या एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू कैन आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर। देखो फर्स्ट रूल की बात करते हैं, एक एक रूल का अपने एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की, एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, ठीक है। मैं थोड़ा सा पूरा नहीं लिख रहा, फ्री स्टेट में हो, कोई भी एलिमेंट हो, एटम हो, वो फ्री स्टेट में, जैसे सीधा हीलियम लिखा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ, 0। कोई एलिमेंट भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। आगे बात समझ में, यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया H2, H2 में सीधा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ O2 में ऑक्सीजन सीधा क्या हो जाएगा, 0। तो इन द फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0। आ गया रूल फर्स्ट समझ में। इसके लिए अब अपने करते हैं क्वेश्चन। देखो भी फ्री स्टेट या एलिमेंट्री स्टेट, आप इसको एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हो, इन द बॉन्ड बिटवीन द
two similar atoms. आगे two similar oxidation number. कहने का मतलब ये है, अगर दो similar atom हो या उनका electronegativity same हो, जब भी क्या होता है oxidation number क्या हो जाता है, always be zero. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा hydrogen. अब इस हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डेड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ. दोनों देखो यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन इधर की तरफ है, दूसरा हाइड्रोजन इधर की तरफ है. तो यहाँ पे आपसे पूछ ले H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इसका जीरो. बिकॉज एक तो ये क्या होता है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है. सेकेंड, अगर अपने रूल रेगुलेशन की बात करें इसमें अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, दोनों एक हाइड्रोजन ये रहा और सेकेंड हाइड्रोजन ये रहा, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी सेम है. और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो उसमें जो एटम्स जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है. आगे बात समझ में, या आपसे आपसे पूछ ले तो इसका मतलब इन दी एच टू मॉलिक्यूल, इन दी एच टू मॉलिक्यूल दी हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर इज, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो. एनीवन प्रॉब्लम्स? आगे बात समझ में. ऐसी अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो क्या हो जाएगा, इन दी O2 मॉलिक्यूल द ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज, ऑक्सीडेशन नंबर इज क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये भी आ जाएगा जीरो. अगर आगे क्या बात समझ में, यानी प्रॉब्लम्स. चले अपने एक और लेते हैं. अगर आपसे पूछे Cl2 क्या हो जाएगा, Cl2 में क्लोरीन का पूछे तो ये भी क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर इज क्या आ जाएगा, जीरो. एनी वन प्रॉब्लम्स? आगे बात समझ में. तो ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट. एक सीधा एलिमेंट हो, आपसे पूछे इस एलिमेंट का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, फ्री स्टेट में प्रेजेंट हो, एलिमेंट्री स्टेट में हो, या कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के दोनों तरफ एटम सेम प्रेजेंट हो, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो. सेकेंड रूल में आगे अपने रूल नंबर फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे तब अच्छी तरह समझ में आएंगे. एक बार रूल को देख लो, ठीक है. रूल सेकेंड क्या है, इन द पीरियोडिक टेबल द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बी +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ओवन लिख रहा हूं शॉर्ट में, इन देयर कंपाउंड +1 ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर कंपाउंड. कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होगा, +1. तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और इधर की तरफ आ जाएगा सीजियम. ध्यान से देखना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एलिमेंट. अगर ये एलिमेंट आपको कहीं पे भी मिल जाए किसी भी कंपाउंड में, ऑलवेज भी इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1. ध्यान रखना भी, अगर मैं आपसे अभी किया था एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूँ NaCl, तो NaCl में अगर मैंने आपसे पूछ लिया सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, व्हाट इज द ON ऑफ सोडियम, तो क्या होगा, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1. एनी वन प्रॉब्लम्स? और अपने को पता है किसी भी कंपाउंड में जितने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करते हैं उतने ही एक्सेप्ट. अगर आपको इसका पता है तो आप सेकेंड एटम्स का भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. अगर यहाँ पे सोडियम +1 प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्लोरीन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, -1 आ गई, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, जीरो. और मैंने तुम्हें बताया था एनी कंपाउंड्स में जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है. यहाँ तक बोलो समझ में आ गया? और ले लेते हैं अपने, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Na2O सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लूँ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो
तो आपको पता है जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है ऑलवेज प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट होता है उसमें इन देयर कंपाउंड्स। तो यहाँ पे सोडियम प्लस वन है, एटम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चार जोन एटम, एन ए टू की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एन ए टू में एन ए क्या है, प्लस वन, और यहाँ पे कितने सोडियम है, दो, तो प्लस वन कितने हो गए, प्लस टू। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, माइनस टू। तो आप किसी भी आगे क्या न्यूट्रल कंपाउंड विदाउट चार्ज कंपाउंड्स उसमें आप अगर ये चीज़ सीख गई तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको आगे बैलेंस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम ओ एन, ओ एन का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम ओ एन इज कितना आ जाएगा, प्लस वन। आगे क्या बात समझ में, क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर एन ए टू, आगे बात समझ में। आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LiH, आप मुझे ये बताओ यहाँ पे LiH में लिथियम क्या है, लिथियम क्या है, ऑलवेज भी प्लस वन। आप कहोगे सर हाइड्रोजन सब जगह प्लस वन होता है, मगर लिथियम सोडियम ग्रुप फर्स्ट के साथ हाइड्रोजन क्या होता है, माइनस वन, अगले को ही माइनस होना पड़ेगा। यहाँ पे लिथियम क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, माइनस वन। हाँ, इसका एक्सेप्शन देखेंगे अपने, फिर बात करेंगे। यहाँ पे देखो समझ में आ गया, लिथियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, लिथियम ऑक्सीडेशन नंबर इस क्या हो जाएगा, प्लस वन। बात समझ में आ गई क्या, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अपनों ने कर ली यहाँ पे, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज भी क्या होते हैं, प्लस वन इन देयर कंपाउंड्स। अब अपने बात करते हैं इसमें रूल सेकेंड, रूल पढ़ लो फिर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने काम आएंगे ये रूल, ठीक है। अब आ जाएगा रूल थर्ड, रूल थर्ड में क्या है, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट ऑलवेज बी प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर, ओ वन लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर को, इन इट्स कंपाउंड या इन देयर कंपाउंड। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये पता होना चाहिए ग्रुप सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे ग्रुप सेकंड एलिमेंट आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। आगे जैसे मैंने आपसे पूछ लिया CaCl2, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम, क्या होगा यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले ग्रुप सेकंड एलिमेंट में आता है कैल्शियम, सो वी कैन से द कैल्शियम ऑक्सीडेशन नंबर इज प्लस टू, और अकॉर्डिंग टू प्लस टू फिर यहाँ पे ये क्या है, दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन होता है माइनस वन, तो यहाँ से तो ये सीधा आइडेंटिफाई हो गया, क्लोरीन क्या हो जाएगा, माइनस टू, माइनस वन, एक क्लोरीन एटम्स, दूसरा क्लोरीन एटम कितनी हो गई, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, ठीक है, इसलिए दो लिए। आगे बात समझ में और लेते हैं एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ MgO, मैंगो, ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंगो नाम नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम, वी नो दैट मैग्नीशियम इज द क्या होगा, मैग्नीशियम इज द ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, सो वी कैन से मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, प्लस टू। सो वी कैन से द मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर कंपाउंड इज प्लस टू। एनी वन प्रॉब्लम्स, हो गया कंप्लीट यहाँ पे रूल सेकेंड। हाँ, अभी अपने दो तीन एग्जाम्पल लेंगे तब और समझ में आ जाएगा। आगे देखो भी, अब अपने बात करते हैं रूल फोर, पहले देखो जनरली दी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज ओ एन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इज माइनस टू इन देयर कंपाउंड।
इन देयर कंपाउंड. जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है किसी भी कंपाउंड्स में हो. आगे बात समझ में, फॉर एग्जाम्पल इसमें अपनी करते हैं एग्जाम्पल की बात. जैसे अभी लिया था जस्ट वही ले रहा हूँ ऑक्सीजन. मैग्नीशियम का भी रूल किया था यहाँ पे. ऑक्सीजन क्या होगा बताओ, -2. ये तो अपने को पता है +2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज कितना आ जाएगा, -2. एनी वन प्रॉब्लम्स, बहुत सिंपल पार्ट है यहाँ पे. आगे बात समझ में. अब ले वो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेते हैं एग्जाम्पल, पानी पानी वाटर वाटर लेते हैं. ऑक्सीजन बताओ कितना होगा यहाँ पे. हाँ, जनरली इन देयर कंपाउंड्स क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज क्या आ जाएगा, -2. तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन होता है उनका जो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, -2 होता है. अब अपने बात करते हैं एक्सेप्शन की. एक्सेप्शन क्या है इसमें, देखो एक तो क्या है, इन द ऑटो मॉलिक्यूल, इन द ऑटो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज, इन द ऑटो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज क्या होगा बताओ. ऑटो मॉलिक्यूल में रूल फर्स्ट में जाओ, क्या होगा, ये एक प्रकार का ऑक्सीजन का एक्सेप्शंस है. हाँ, क्या होगा, इन दी ऑटो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज, एक्सेप्शन वन क्लियर हो गया. अभी 0. आगे बात समझ में, एक्सेप्शन वन. एक्सेप्शन टू देखिए अब आप, इन दी परोक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज क्या हो जाएगा, इन दी परोक्साइड क्या आ जाएगा, परोक्साइड जैसे इसका नेम बताओ, H2O2, 9th 10th में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड. क्यों बोलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर्स देखो आप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, किसी में इस टाइप की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होना ऑक्सीजन की, उसको अपने क्या कहते हैं, परोक्साइड. तो H2O2 को अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परोक्साइड. आगे क्या कहने का मतलब है, ऑक्सीजन की 2 सिमिलर एटम्स, आगे क्या एक ही बॉन्ड से अटैच हो, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, परोक्साइड. और परोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑलवेज बी -1. तो अब आपसे पूछ ले H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो यहां पे इन दी H2O2 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज -1. अगर आप डिटेल से पता करना चाहो, सर ये तो रट्टा लगाने वाली बात हो गई, तो डिटेल से बताता हूं. देखो रीजन, मैंने आपको रूल फर्स्ट में एक बात बताई थी, अगर एक ही बॉन्ड से 2 सिमिलर एटम प्रेजेंट हो तो वहां पे ऑक्सीजन क्या होता है, 0. मतलब ये वाला बॉन्ड 0 हो गया. अब ये वाला बॉन्ड अटैच है तो हाइड्रोजन होता है +1, तो ये क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड तो 0 हो गया, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो गए -2 के, यहाँ पे एक तो हो गया 0, तो क्या रह गया, -1 रह गया. मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन -2 होता है, एक यहाँ पे बॉन्ड हो गया 0, तो ऑक्सीजन क्या रह गया, -1. इसलिए अपने क्या कहते हैं, इन दी H2O2 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज -1. बोलो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्लियर हो गया यहाँ पे. ये बेसिक आपको कहीं भी क्लियर नहीं होगा, मैंने तुम्हें बताया ये परोक्साइड में क्यों ऑक्सीजन -1 होता है, आज तुम्हें मैंने डिटेल से बता दिया. आगे देखो भी, आगे बात समझ में, इन दी H2O2 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इन -1. तो ये एक्सेप्शन, अब ऑक्सीजन का एक एक्सेप्शन और है, बहुत ही मस्त है. देखिए, इन दी OF2 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज, मतलब OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2. आगे क्या बात समझ में, तो आपसे क्वेश्चन आ जाए, बहुत बार आ चुका है नेट में ये OF2 में नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा,
OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर रीजन की बात करें तो फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है मोर अट्रैक्शन पावर ऑफ कंपेयर ऑफ अदर एलिमेंट, कहने का मतलब जिसका अट्रैक्शन पावर ऑफ मोर देन होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो फ्लोरीन होता है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कंपेयर देन ऑफ ऑक्सीजन, सो वी कैन से फ्लोरीन अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आएंगे नहीं, यहाँ पे जाएंगे तो प्लस होगा ना कि माइनस। तो यहाँ पे OF2 में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। नेक्स्ट एक और एक्सेप्शन है, वो बात करते हैं इन दी O2F2, यहाँ पे दो ऑक्सीजन दो फ्लोरीन हो गए, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज इन दी O2F2 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन, OF2 का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या होगा +2, ऐसे क्या आ जाएगा अपने पास। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ O2F2 और O2F2 में क्या होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे आ जाएगा +1। एनी वन प्रॉब्लम्स, ये हो गए कंप्लीट एक्सेप्शंस ऑक्सीजन के। एनी वन प्रॉब्लम, जनरली दी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज -2 इन देयर कंपाउंड। अगर अपने एक्सेप्शंस की बात करें तो एक्सेप्शंस 1, इन दी ऑटो मॉलिक्यूल द ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, इन दी पेरोक्साइड द ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज -1, इन दी OF2 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, इन दी O2F2 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। एनी वन प्रॉब्लम, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। रूल नंबर 5 देखो, जनरली जनरली हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर इज जनरली हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया H2O, H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1। आगे बात समझ में, जैसे यहाँ पे लिख दिया H2S, जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1। आगे बात समझ में, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, देखो एक्सेप्शन देखो, फर्स्ट इन दी H2 मॉलिक्यूल दी हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। पहला एक्सेप्शन समझ में आ गया, H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन क्या होगा, आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो रूल फर्स्ट देखिए, इसमें बताया था मैंने एग्जांपल लेके। अब अपने देखो नेक्स्ट एक्सेप्शंस क्या है इसमें, नेक्स्ट एक्सेप्शंस है इसमें इफ हाइड्रोजन प्रेजेंट विथ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट -1। अब है ना, आप है ना रूल सेकंड और थर्ड की तरफ देखिए, जो मैंने तुम्हें बताया था रूल सेकंड में, मैंने तुम्हें आइडेंटिफाई किया था जो ग्रुप फर्स्ट होता है वहां पे